पटना के लंगाटोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य व समाजसेवी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे पटना के होटल मौर्या में भव्य रंगारंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील कुमार दुबे होटल मौर्या में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से होटल मौर्या के मैनेजर भूखे देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ में मौजूद होटल के जितने भी स्टाफ हैं वो सभी फूल से उनका स्वागत करते हुए साथ में चंदन टीका लगा करके उनके भव्य तौर पर उनका स्वागत कर रहे हैं। फिल्म द केरला स्टोरी से चर्चित बॉलीवुड एक्ट्रेस आदर्श शर्मा को मेमेंटो देकर डॉक्टर सुनील दुबे ने सम्मानित किया है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सेलिब्रिटीज मौजूद रहे। स्टेज से एंकर ने डॉक्टर सुनील कुमार दुबे का जमकर प्रशंसा करते दिखी, जिसके बाद उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। डॉक्टर सुनील दुबे अपनी पत्नी उषा दुबे के साथ स्टेज पर आए और बॉलीवुड एक्ट्रेस आदर्श शर्मा को मेमेंटो देकर सम्मानित किए हैं, जिसके पहले राष्ट्रीय गान से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर और गणेश वंदना का कार्यक्रम भी हुआ है। कई अतिथि को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर सुनील दुबे स्टेज से सभी आमंत्रित अतिथि को संबोधित किए, जिसके बाद मीडिया से उन्होंने अपना बयान साझा किया है। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक आलोक सिंह भी डॉक्टर सुनील दुबे के बारे में जमकर प्रशंसा करते दिखे। तो वहीं पिछली बार अभिनेत्री भाग्यश्री को बिहार रत्न अवार्ड देने पर उन्हें जो आलोचना का सामना करना पड़ा था, उसके लिए भी उन्होंने बिहार की जनता से कहा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुन लें। Our chief guest of today, Bihar Kishan, world famous and social worker, respected Dr. Sunil Kumar Dubey sir. Ek baar zordar taaliya ho jaye. Ek baar zordar taaliyon se swagat kiya jaye everyone. Come on. A very hearty and a grand welcome Dr. Sunil Kumar Dubey sir. Unka swagat kiya jaye aur ek baar zordar taaliyon ke saath. Dr. Sunil Kumar Dubey sir, not only in situation of COVID-19, throughout years, throughout life, जिन्होंने सबका भला किए हैं, सबको बहुत कुछ डोनेट किए हैं, उनका स्वागत किया जाए दिल खोल के जोरदार तालियों के साथ। Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए our chief guest के लिए। Come on. हम लोग एक साथ मिलके आपके खिदमत में कुछ लाइंस डेडिकेट करना चाहते हैं सर आपके लिए। ये बिहार है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बिहार ये हम सभी के लिए मंदिर समान है, राइट? एंड ये लाइंस आपके लिए। बिहार की मंदिर की है अब सबसे प्यारी मोरल, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए आपका ही चरण पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए। सिंग टुगेदर। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। एंड सर आपके लिए हो गया तो मैम के लिए वो भी कुछ लाइंस होनी चाहिए, राइट आलोक जी? एंड टू लाइंस फॉर मैम आपके लिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। थैंक यू सो मच सर, मैम के लिए एक बजूद तालियां हो जाए ऑन बिहाफ ऑफ BIP। एंड नेक्स्ट फॉर नेशनल एंथम एंड एवरीवन प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड ऑन योर स्पीसेस फॉर नेशनल एंथम प्लीज एवरीवन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की। थैंक यू सो मच। क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी जी का साथ है सरस्वती का हाथ है, गणपति बप्पा जी की कृपा से आज की महफिल कुछ खास है। जी हाँ खास है, क्योंकि आप सब BIB के साथ हैं। थैंक यू सो मच। सो लैम्प लाइटिंग एंड प्लीज फॉर लैम्प लाइटिंग प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर सुनील कुमार दुबे सर, प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। वेलकम सर। आरंभ है प्रचंड ओल मस्तकों के झुंड। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिसेस उषा दुबे मैम। मिसेस उषा दुबे मैम प्लीज वेलकम। प्रचंड बोल प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर प्रियंवर सिंह सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अलोक सिंह सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्रीकांत जी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट गणेश वंदना। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री डॉक्टर सुनील कुमार दुबे सर वंस अगेन प्लीज वेलकम। एंड मिसेस उषा दुबे मैम प्लीज एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। एंड पाटलिपुत्र स्मृति चिन्ह से हम सब वंदित करेंगे अभी मिस आदा शर्मा जी को। थैंक यू सो मच। आई गिव यू दिस प्लीज मैम सर आइए। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर सुनील कुमार दुबे सर एंड मिसेस उषा दुबे मैम प्लीज वेलकम।
on behalf of BIB, ek baar zordar taaliyan ho jaye. Everyone, please put your hands together for this moment. Everyone, come on. डॉक्टर सर के पास मैं आऊंगी कि सर कुछ वर्ड्स हम सभी के लिए अगर आप बोल देंगे. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर आलोक सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद. उसके बाद हमारे जितने भी बिहार के हीरो हैं, मतलब जितने भी सम्मानित डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन जो भी हैं, उनका भी धन्यवाद जो मुझे इस इवेंट में मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत किया. दूसरे शब्द में मैं आधार शर्मा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पहले भी काफ़ी पहले जब 15 वर्ष की उम्र थी इनकी तो हिंदी फिल्म इनकी आई थी, लेकिन जब केरला स्टोरी फिल्म आई तो इनका देश और दुनिया में नाम हो गया. हमारे प्रधानमंत्री जो आज के दिन हैट्रिक शपथ ले रहे हैं वो भी फिल्म देखने गए थे, तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ तो है फिल्म में, तो मुझे भी देखना चाहिए. लेकिन व्यस्तता के कारण हम सोचते ही रह गए और पटना के सिनेमा हॉल से फिल्म चला गया, लेकिन मेरी पत्नी ने देख ली मेरे छोटे बेटा के साथ. तो जब आलोक ने मुझे अदा शर्मा का चीफ गेस्ट बनाया, आग्रह किया, तो हमें तो देखना था ना, तो हमने YouTube पर अपने TV पर देखा. उसके बाद लगा कि अदा का शानदार, जानदार, जबरदस्त एक्टिंग ही पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया इनका. और शायद कुछ लोग को जानकारी नहीं होगी, जैसा मुंबई से हमें जानकारी मिली है, ये पहला बार, तो पहली बात कि पहला बार बिहार में आई हैं, खास करके पटना, पाटलिपुत्र की धरती. और ये आज के डेट में मुंबई में जो रह रही हैं, जिस घर में, वो पटना का ही एक महान एक्टर के रूप के घर में रह रही हैं, जो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का घर है, और वहाँ इनका पॉजिटिव साइन मिलता है. तो और ये पहला बार खास करके पटना में आई हैं, तो मेरा एक फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि इनको पाटलिपुत्र स्मृति चिन्ह से सम्मानित करूं. और ये तो आप लोग जितने भी बिहारी हैं, आपके दिल से बोल रहा होगा कि जो बिहारी का दिल है वो देश और दुनिया में नहीं है जैसा दिल बिहारी का होता है. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे मुंबई छोड़िए, देश छोड़िए, दुनिया में, क्योंकि हर एक बिहारी यहाँ से नहीं, दिल से सोचता है, दिल से करता है. और एक बिहारी बाहर से आए हुए मेहमान को एक भगवान के रूप में समझता है, आदर करता है, ये बिहार का संस्कार है. इसीलिए मैं अदा को पाटलिपुत्र स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया, और बिहार में पहली बार, खास करके पटना में पहली बार ये आई हैं,
आयोजक आलोक सिंह के इतनी व्यस्तता के बाद ये 2 साल तक बुक हैं अभी, इसके बावजूद भी अपना कीमती समय निकालकर इस पटना की धरती पर आई हैं, इसके लिए इनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा। विशेष रूप से नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद अदा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अब ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं डॉक्टर के अलावा, तो बहुत सारे कार्यक्रम जो है, जो कि जहाँ पे हम जाते हैं और जहाँ पे व्यस्तता के कारण क्षमा भी मांग लेते हैं, शिक्षक दिवस हो या फिर टीचर डे हो, तो हमारे पास आज के डेट में बहुत सारे कोचिंग के ऑनर वगैरह सब आते हैं, तो अब एक जगह 50 कार्ड आ जाता है तो संभव तो है नहीं, तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, जहाँ हो सकता है यथा संभव मैं करने का कोशिश करता हूँ। ये तो आप बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस हैं, तो मैं तो श्रेय सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिताजी को दूंगा, वैद्य सुभाष दुबे जी का, जो कि उनके बदौलत आज मैं हूँ, और दूसरा पटना के जनता को दूंगा, पटना के जनता ने मुझे प्यार किया और मेरी पहचान बनाई, फेमस करवाया, पटना की जनता ने मुझे बिहार फेमस करवाया, बिहार की जनता ने मुझे भारत फेमस करवाया, भारत की जनता ने मुझे वर्ल्ड फेमस करवाया, तो ले देकर तो पटना का ही जनता है ना, तो पटना की जनता को मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा जी। ये मैं शाब्दिक अर्थ में कहना चाहूँगा कि ये सारा इल्ज़ाम मैं लेता हूँ, थोड़ा व्यस्तता के कारण जल्दी जल्दी में दिया और निकल गया, और जब बाद में जब निगेटिव कमेंट और आने लगी तो मुझे एहसास अपनी गलती की हुई है, उसके लिए पटना और बिहार की जनता से मैं क्षमा मांगूंगा, को जो बिहार रत्न अवार्ड से मैंने सम्मानित किया था, और आइंदा कभी नहीं होगी, और आज भी मैं पाटलिपुत्रा अवार्ड नहीं दिया हूँ, पाटली अवार्ड इसलिए नहीं दिया हूँ कि इस पाटलिपुत्रा की धरती पर यानी पटना की धरती पर एक से एक महादिग्गज हैं जो इस अवार्ड के लायक हैं, मैं स्मृति चिन्ह दिया हूँ। स्मृति चिन्ह का मतलब है कि डॉक्टर सुनील दुबे से अदा की मुलाकात हुई है, वो स्मृति चिन्ह हुआ, अवार्ड नहीं हुआ। अब आई हैं तो खुशी तो होता ही है, लेकिन वो अब तो अदा शर्मा से आप पूछिएगा कि उनको बिहार आ करके उनको कैसा लगा। अब वो आई थी तो इनको सम्मानित किए, इनको बुलाया गया, तो वो चीज़ अच्छा लगा। नेक्स्ट कार्यक्रम में हम लोग हेमा मालिनी जी को बुला रहे हैं, जो कि 10 अगस्त को हमारा प्रोग्राम होने वाला है और इसी होटल में शायद होगा, जगह फिक्स नहीं है, लेकिन पटना की धरती पे हेमा मालिनी जी आ रही है, जहाँ पे हमारा एक बिजनेस मीटअप होने का है 10 अगस्त को। सर जैसे आपने नाम लिया ना सुनील दुबे सर का, आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया। मैंने बहुत जगह घूमा सर, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, समझे, हर जगह घूमा है, देश विदेश कहते हैं, दुबई, सिंगापुर, हर जगह गया है, लेकिन सुनील भैया दुबे जैसा जो दिल है ना कहीं नहीं है। बहुत लोगों से मैं मिला, बहुत लोगों को सेलेक्ट करना चाहा कि मैं अपने प्रोग्राम में किनको लेके आऊँ, बहुत जोर, मैं आप देखेंगे ना, मैं 2019 से इवेंट कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का किया, जया किशोरी का किया, आपने भाग्यश्री का नाम लिया, राहुल मलोडिया का किया, और अभी जाके अदा मैम आई हुई, अदा शर्मा मैम आई हुई है, और इसके बाद हेमा मालिनी जी आ रहे, तो मैं हर बार सोचता था कि किनको लेके आऊँ, लेकिन पिछले इवेंट में जब हम मिले डॉक्टर सुनील दुबे सर से, जो कि बहुत ही बड़ा समाज सेवी है, वो डॉक्टर तो बाद में आते हैं, दिल से बहुत बड़ा समाज सेवी है, तो और उसके बाद सबसे बड़ी बात कहने की, उनका जो कि कोई भी चीज़ जो होता है ना कि उनका नाम लेते ही चेहरा पे हंसी आ जाती है, वो दिल से सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को दिल से करना चाहते हैं। सपोर्ट क्या मतलब कि आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है सर, आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कि कोई सपोर्ट क्या करेगा कोई, बस आपको क्यों होता है ना कि दो तरीके के लोग होते हैं सर, एक बोलेगा नहीं तुम ये काम करने जा रहे हो ये काम तुमसे नहीं होगा, एक काम होता है, एक आदमी होता है ना कि अरे तुम कर सकता है ये चीज़,
तो वो चीज़ है ना जो सुनील भैया को जो दिल से असर भी आता है, दिल से जो वाइब्स निकलता है ना वो चीज़ हो जाता है। मैं बड़े बड़े इवेंट करने से पहले सोचता हूँ कि कैसे करूँ, लेकिन दो चार दस लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, आप लोग जैसे दोस्तों का सहारा मिल जाता है, इवेंट सक्सेस हो जाता है।